बस ये मुंडी निकल गई घोड़े की। लगा दो लगा दो लगा दो जल्दी लगा दो लगा दो लगा दो घोड़े की मुंडी लगा दो। घोड़े की मुंडी खुली हुई अच्छी नहीं लगती है बेटू। लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो। ए लगा दिया है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोग सभी को बताया था कि मेरे को बहुत कोल्ड कफ थी और मैं आप लोगों के साथ कोल्ड कफ से रिलेटेड जो भी मेडिसिंस मैं उसको दे रही थी वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो चलिए हेयर आई एम और मैं दिखाती हूँ कि मैं उसको क्या क्या दे रही थी। तो सबसे पहले मैं उसे ये दे रही थी नेजल ड्रॉप। ये नेजल ड्रॉप जब भी बच्चे को नाक में दिक्कत आ रही थी तो उस वक्त मैं ये दे रही थी उसको। ये देखिए, उसके बाद मैं उसे दे रही थी पैरासीटामोल। ये डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। और साथ ही साथ जब मैं प्रेग्नेंट थी और जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो बंगाल में हुई थी, तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे एक कफ सिरप दिया था जो कभी भी बेबी को हो, तो वो मैं डे वन से उसे दे रही हूँ 1.1 ml करके, ताकि उसे सर्दी हो ही ना। तो वो ये है, ये डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हुई थी। साथ ही साथ मैंने कल जो आप लोगों को तेल दिखाया वो मैं उसे 3 से 4 बार 5 बार तक कोशिश करती हूँ, लेकिन 3 से 4 बार ही हो पाता है। सारा दिन बहुत सारा काम होता है। मेरे हस्बैंड ही हैं जो, वो तो सारा दिन स्कूल में रहते हैं और फिर घर में आने के बाद जो हेल्प कर पाते हैं, नहीं तो सारा दिन मुझे ही करना होता है। तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मालिश कर सकूँ क्योंकि वो उसकी बढ़ती उम्र है। और साथ ही साथ उसे मैं ये रात में, ये जो मैंने पोटली बनाई हुई है ये देखिए, मैं शायद आप लोगों को अच्छे से दिखा पा रही हूँ। ये देखिए, ये कपूर और अजवाइन की पोटली है। तो ये जो पोटली है मैंने बनाई हुई थी, तो ये मैंने पोटली बनाई हुई है, कपूर और अजवाइन की पोटली है ये। ये मैंने बनाई हुई थी कपूर, मैंने तवे पे अजवाइन को गर्म कर लिया था और फिर पोटली बनाकर उससे बेबी को सेक किया था, तो उससे बच्चे को बहुत आराम मिला था। तो अगर आप भी मेरी तरह न्यू मॉम हैं तो आप ये सारे नुस्खे अपना सकते हैं, इससे बहुत बहुत बच्चे को फ़ायदा होगा। और ये देखिए मेरा बेबी जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। ये जो स्टिक है अभी और मुझे कुछ और ही बोलना था, और जो ये स्टिक है ना अभी फिलहाल तो ऐसे काम आ रही है कि वीडियो में कम इसकी शूट करती हूँ और पलंग के नीचे जो खिलौने गिर जाते हैं। आई होप जो माँ न्यू मॉम्स है वो रिलेट कर सक रही है मेरी बात से कि पलंग के नीचे जो बेटू दे दो इसको नहीं पकड़ते बेटा, तो पलंग के नीचे जो खिलौने गिर जाते हैं कौस्तव के, वो मैं इससे गैदर करती हूँ। बस ये मुंडी निकल गई घोड़े की। लगा दो घोड़े की मुंडी लगा दो। घोड़े की मुंडी खुली हुई अच्छी नहीं लगती है बेटू। लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो। ए लगा दिया है।
हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई इस बात पे हुई कि बेबी जो है वो नीचे गिर गया था बेड से। बहरहाल उसे चोट तो नहीं आई लेकिन हस्बैंड बहुत गुस्सा आए रात में, आधी रात में। आप फादर हो उसके तो टेंशन होती है, तो मैं भी तो माँ हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती है। तो सुबह उठने के बाद जब हमारी बात हुई उसकी तो मैंने उनको बताया कि क्या क्या कारण था, तो उनको समझ में आई बात। तो फिर भी हमारी लड़ाई अच्छी खासी हो गई और अभी बात वैसी होने लगी। हाँ बस ऐसा वाला है। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा मेरा मूड भी ख़राब है और मैं वीडियोस वगैरह बना नहीं पा रही हूँ ढंग से। अकेली रहने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, नहाने जाने में, वॉशरूम जाने में, क्योंकि बच्चा छोटा है और उसके गिरने की डर लगी रहती है। अगर वो सोता रहता है, मैं वॉशरूम वगैरह जाती हूँ तो मुझे डर बना रहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से निकल के आऊँ। बहरहाल मैं आपको बताना भूल गई कि बच्चा बेबी मेरा गिरा कैसे था। तो रात में सो रहे थे साथ में, तो मैं बेबी को हमेशा पकड़ के ही सोती हूँ। तो पता नहीं, मैं जनरली ऐसे कभी इतनी गहरी नींद में जाती हूँ, शायद थक गई तो थी शायद ज़्यादा, तो वो मेरे ऊपर से कूद के कब उधर से निकल गया और नीचे जा गिरा। जब आवाज़ आई तो मैं धड़पड़ा के उठी हूँ तो देखती हूँ बेबी मेरा नीचे गिरा हुआ है। बहुत बुरा फील हुआ, लेकिन जब गिर गया तो कुछ नहीं कर सकते और इस वजह से हस्बैंड भी पैनिक हुए। शाम के टाइम बाप बेटे की मस्ती, लीजिए देख लीजिए। बस, लेट्स कॉल इट अ डे, दैट्स इनफ। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। And do comments please. Till then, bye bye.